नमस्कार दोस्तों, तो आज हम सीखेंगे ट्रिक्स टू रिमेंबर केव इरोजन। जो केव जो इरोजन होता है उसका प्रोसेस देखेंगे, पहले क्या होता है फिर क्या होता है। तो ये एक प्रोसेस होता है केव इरोजन का, तो उसके ट्रिक्स देखेंगे याद करने की। चलिए, तो ये हमारे इरोजन के प्रोसेस होते हैं। केव बनता है, फिर आर्क बनता है, फिर स्टैक बनता है, फिर स्टम बनता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस है, इसको हम पढ़ेंगे कैश। ठीक है, तो हमारी ट्रिक्स ये है, कैश मेरे पास है। ठीक है, तो ये हमारा केव है, ये हमारा आर्क है, ये हमारा स्टैक है, ये हमारा स्टंप है। ठीक है, चलिए तो पिक्टोरियल मेथड देखते हैं। तो ये पहले क्रैक बनता है, ठीक है, जो वाटर जब इससे टकराता है तो धीरे धीरे क्रैक बनता है। फिर क्रैक के बाद क्या होता है, वो क्रैक बड़ा होता है और धीरे धीरे ये केव बन जाता है। ठीक है, फिर वाटर इसके फ्लोर पर टकराता है, यहाँ वाले फ्लोर पर टकराता है वाटर, तो ये धीरे धीरे आर्क में परिवर्तन होता है। ठीक है, आर्क में परिवर्तन होता है, फिर वाटर जब वेव और स्पीड आती है तो यहाँ टकराने लगता है। ठीक है, तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे टकरा के ये इसको रिमूव करता रहता है, इरोज़ करता रहता है। इरोज़ करने के बाद ये एक पोल की तरह बन जाता है, इसे कहते हैं स्टैक। ठीक है, क्योंकि अब पानी यहाँ तक आ गया तो पानी ऊपर से फ्लो करेगा, फिर धीरे धीरे ये ख़त्म होने लगता है। ठीक है, ये ख़त्म होते होते ये इसमें परिवर्तन होता है, स्टैम्प पे परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा केव का प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रोसेस के बारे में पूछा जा सकता है एग्जाम में। धन्यवाद।